स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडियन रेलवे फैंस आर्मी। जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को आज का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज की वीडियो में हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू रेल लाइन के बारे में, जो कि बद्दी से चंडीगढ़ के बीच बनाई जाएगी। साथ में दोस्तों, आप लोगों को आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि किस कारण से ये काम बीच में रुका हुआ था और ये काम कैसे शुरू हुआ, आज की वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, बिना स्किप करें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। एक समान मुआवजे की मांग को लेकर बद्दी चंडीगढ़ रेल लाइन का काम रोककर आंदोलन कर रहे किसानों के साथ CPS राम कुमार व उपायुक्त मनमोहन शर्मा ने बैठक की। बैठक में फैसला लिया गया कि 16 जनवरी को CPS राजकुमार ने नेतृत्व में प्रभावित किसान CM सुखविंदर सिंह सुखियो से मिलेंगे। CPS और उपायुक्त के आश्वासन के बाद किसानों के आंदोलन 4 माह के लिए स्थगित कर दिया गया। अगर 4 माह तक इसका फैसला नहीं होता है तो 4 माह के बाद दोबारा आंदोलन शुरू कर काम को रोक दिया जाएगा। शनिवार को रेलवे दोबारा अपना कार्य शुरू कर देगा। नंबरदार चरणदास व संडोली पंचायत के पूर्व प्रधान भाग सिंह ने उपयुक्त मनमोहन शर्मा को बताया कि बद्दी के 9 गांवों की जमीन रेलवे लाइन में आई हुई है। उस दौरान जमीन के जो औसत रेट चल रहे थे उसके कहीं कम पैसे किसानों को दिया गया है। रेट 2400 रुपये प्रति वर्ग मीटर का था, लेकिन उन्हें 900 रुपये दिया गया है। CPS राम कुमार ने कहा कि पिछले भाजपा सरकार ने किसानों के साथ अन्याय किया है। उन्होंने अपने कार्यालय में 90 लाख रुपये बीघा के रेट फाइनल किया था और रेलवे विभाग भी उसे देने को तैयार था, लेकिन किसान विरोधी पिछली सरकार ने जानबूझकर किसानों को 7 लाख रुपये बीघा रेट दिया, जो बाज़ार में कहीं भी ज़्यादा कम है। उन्होंने तहसीलदार को भी इसका खाका तैयार करने को कहा। उन्होंने उपयुक्त को किसानों की मांग से अवगत कराया है। 16 जनवरी को उनके नेतृत्व में किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल CM ने मिलेगा। एक समान रेट को लेकर उन्हें आग्रह किया जाएगा। बैठक में उपयुक्त सुरन के आश्वासन के बाद किसानों को दोबारा कार्य शुरू करवा दिया है। बैठक में किसान चरणदास, पूर्व प्रधान भाग सिंह कुंडलस बेयात ठाकुर, पूर्व प्रधान रामेश्वर दास, सिमरजीत सिंह कुंडर्स, बरियाम सिंह, भूपेंद्र सिंह, मोहन शंकर, संजीव कुमार समेत दर्जनों किसानों ने भाग लिया। दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की छोटी सी जानकारी समाप्त होती है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आई लव यू गाइस।